नमस्कार, इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। अब चर्चा करेंगे आईपीएल के बारे में। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार आईपीएल विंडो ओपन थी और इस दौरान ट्रांसफर किए जा रहे थे खिलाड़ी एक दूसरे से दूसरी टीम में। रविचंद्रन अश्विन जो पंजाब के कप्तान थे, वो कुछ दिन पहले दिल्ली में वापस आए 7.1 करोड़ की तादाद में, सुचित जो कि 20 लाख की कीमत से पंजाब गए हैं। अब ऐसे में दो और नाम ऐसे आए हैं बड़े, जी हां आईपीएल के स्टार हैं ये, और साथ ही साथ अपनी नेशनल टीम के लिए भी इनका नाम काफ़ी बड़ा है। ट्रेंट बोल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ट्रेंट बोल्ट पहले ऐसे खिलाड़ी हैं, दूसरे और एक और खिलाड़ी इनके साथ, उनका नाम मैं बाद में लूंगा, पहले ट्रेंट बोल्ट के बारे में बात करता हूँ। ट्रेंट बोल्ट दिल्ली का काफ़ी लंबे समय से साथी बन के रहे थे और हिस्सा थे दिल्ली टीम का। अब ऐसे में वो आईपीएल 2020 में आपको दिल्ली कैपिटल्स में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। जी हाँ, ट्रांसफर विंडो के तहत उनका ट्रांसफर अब मुंबई के लिए हुआ है और वो आपको आईपीएल 2020 में नीली जर्सी यानी मुंबई इंडियंस की वर्दी में खेलते हुए नजर आएंगे। उनके साथ साथ एक और उनके टीममेट हैं शेन रदरफोर्ड, वो भी आपको दिल्ली से मुंबई में खेलते हुए नजर आएंगे। जबकि मुंबई ने रिलीज किया है मयंक मार्कंडे जो कि एक लेग स्पिनर है, और मयंक मार्कंडे का एक सीजन था वो काफ़ी अच्छा गया था 2018 की अगर बात करें आईपीएल की, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अब मयंक मार्कंडे मुंबई के लिए नहीं बल्कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल 2020 में खेलते हुए नजर आएंगे। अब और बात करते हैं कौन सा वो दूसरा बड़ा नाम है जो ट्रांसफर के तहत दूसरी टीम में गया है। जी हाँ, वो नाम है तेज गेंदबाज अंकित राजपूत का। आईपीएल 2020 में अंकित राजपूत आपको किंग्स 11 पंजाब की जगह राजस्थान रॉयल्स में खेलते हुए नजर आएंगे। या कह लीजिए पहले भी वो राजस्थान रॉयल्स की टीम में थे लेकिन बीच में उनको राजस्थान ने रिलीज कर दिया, उसके बाद वो किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते हुए नजर आए। काफ़ी अच्छे बॉलर हैं और स्ट्राइक बॉलर हैं, तेज गति से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन फिलहाल पंजाब ने उनको रिलीज कर दिया है और वो राजस्थान रॉयल्स में चले गए। और राजस्थान रॉयल्स से जो पंजाब के लिए वापस आए हैं वो हैं कृष्णप्पा गौतम। जी हाँ, पिछले सीजन में जिस तरीके से अपनी बल्लेबाजी से उन्होंने सबको प्रभावित किया, केपीएल जो कर्नाटक प्रीमियर लीग हाल ही में हुआ था उसमें उन्होंने बेहतरीन तरीके से सेंचुरी भी लगाई थी और ताबड़तोड़ रन बनाते हैं, तो ऐसे में ये सौदा अगर देखा जाए राजस्थान और पंजाब का दोनों का बराबरी का है। क्योंकि राजस्थान के पास एक बेहतरीन तेज गेंदबाज गया है जो कि पहले से भी राजस्थान के लिए खेल चुका है, तो टीम मैनेजमेंट के साथ उसका तालमेल ठीक ठाक है। और दूसरी ओर अगर बात की जाए पंजाब के लिए, तो कृष्णप्पा गौतम भी एक बेहतरीन बॉलर भी हैं क्योंकि वो फिरकी गेंदबाजी भी करते हैं और साथ ही साथ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। तो जो आईपीएल विंडो 14 नवंबर यानी आज तक खुली हुई थी उसके तहत ये बड़े ट्रांसफर हुए हैं और इन बड़े ट्रांसफर के बाद आईपीएल 2020 में जो मज़ा आएगा वो बेहद लाजवाब होगा, क्योंकि जितने बड़े बड़े खिलाड़ी एक दूसरे दूसरी टीम में आए हैं उनका खेल किस तरीके से चलता है, कैसे वो दूसरी टीम में अपना तालमेल बिठाएंगे और कैसे वो जब उनकी ही टीम जो पुरानी थी उनके सामने आएगी और वो किस तरीके से उनका जवाब देंगे, ये बाकी देखने लायक और रोचक होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जो आईपीएल विंडो हुई 14 नवंबर तक खुली थी आज तक, वो आज बंद हो जाएगी। अब जो अपडेट आएगा वो हम आपको बताएंगे। देखते रहिए इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स। धन्यवाद।